मैंने तेजस्वी जी को चेतावनी दे दी थी कि अगर मैं जेल गया तो जेल से निकलने के बाद 180 दिन के अंदर तेजस्वी जी आपकी सरकार को गिरा दूंगा। भगवान ने उनकी सरकार को गिरा दिया। उसको बताइए दुनिया को जो है गर्व महसूस होगा मनीष कश्यप पे। अगर आरजेडी के फेसबुक पेज पे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाया गया होगा ना, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मंत्री बन रहे बिहार के, बिहार सुनिए ना, ऐसा ऐसा सवाल करके सोशल मीडिया पे टॉप कर रहा है, टॉप कर रहा है, रोड़ा अटका देंगे आप लोग सब। और मैं राजनीति में हूँ और मैं तेजस्वी यादव जी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे राजनीति में होना चाहिए और नेता जो है मैं अच्छा बनूंगा, ये भरोसा कीजिए। इस वक्त न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपने उन्हें यूट्यूब पर देखा, पत्रकार के रूप में देखा, आपने उन्हें रोते हुए अपनी माँ से गले लगते हुए देखा। उन्होंने बिहार की जनता की आवाज भी उठाई और इस वक्त वो नेता भी बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीष कश्यप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप जिस तरीके से लगातार ये हो रहा था कि चंपारण से आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अचानक बीजेपी में आए, ऐसा क्या ऑफर मिल गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ऑफर नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए मौका देती है और मुझे मौका मिला काम करने के लिए, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। मैं चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा किया था, उसके पहले जो है मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी चाह रहा था, ये भी बात सत्य है। मुझे टिकट नहीं मिला, ये भी बात सत्य है, और मुझे काम करने का मौका मिला, ये भी बात सत्य है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। देखिए, मैं बेसिकली बिहार से ही हूँ, तो बिहार के लोगों के सवाल और वहाँ की जनता से मिलती भी रहती हूँ, बात भी करती रहती हूँ, लेकिन दिल्ली में भी जो बिहार के लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा कशिश मिलती है, वो आपसे पूछेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं। सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह है मनीष जी आपसे कि आप लगातार बिहार की बात करते हैं, बिहार के लोगों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि वहाँ पर जंगल राज लगातार चल रहा है, वहाँ का विकास करना है और वहाँ की जनता के लिए काम करना है, लेकिन जब राजनीति में आपने कदम रखा तो आपने क्यों सोचा कि दिल्ली से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए और दिल्ली में आप प्रचार करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले नजर? मैं दिल्ली में कहाँ प्रचार कर रहा हूँ, मनोज तिवारी के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर। अरे, मनोज तिवारी भैया ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, सवाल गलत है, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आप आए तो दिल्ली में ही है सब। हाँ, मैं मतलब कि राष्ट्रीय कार्यालय जो भाजपा का है वहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग किया था, इसलिए मैं दिल्ली में आया हूँ, और मेरा एक ऑफिस भी है सेक्टर नोएडा में, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो भीड़ लग जाएगा, तो वहाँ पे जमीनी स्टार जो हमारे यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म भी बनाया, तो वहाँ पे एक ऑफिस भी है पटना में दादी जी लेन में जो है वहाँ पे ऑफिस है, बेतिया में जो है मेरा बानुछापर में कार्यालय है, तो मैं यहाँ पे काम के लिए भी, अपना भी काम चलता है तो उसके लिए भी आता हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था तो उसके लिए भी आया था, और आप लोग बुला लेते हैं तो इसलिए मैं बिहार नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ, तो विचारधारा की भी बात कर लेते हैं एक बार, विचारधारा कैसे मिल गई? आप पहले कह रहे थे कि राजनीति से नहीं जुड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर बच्चा जो है पैदा होगा और वो अगर जय हिंद बोल देगा तो कांग्रेसी बोलेंगे कि ये जरूर भाजपाई है, अगर देश की बात कर लेगा तो जरूर भाजपाई है, सनातन धर्म की बात कर लेगा तो जरूर भाजपाई है, अगर धर्म से विकास को जोड़ देगा तो जरूर भाजपाई है, और मैं ये सारा काम तो पहले से ही करते आया हूँ, तो विपक्ष तो ऐसे ही मुझे भाजपाई पहले से ही समझते थे। मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ, आरएसएस का जो है प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे तो पहले से ही ये लोग जो है भाजपाई भाजपाई कहते थे, और मैं आज भाजपा ज्वाइन कर लिया तो इनके पेट में जो है ना जाने जो है इनका किडनी कहाँ से गायब हो गया। लगा ही देते इस बात पे नहीं, माँ ने कहा और मैं ज्वाइन कर लिया। आस्था भी आपसे कुछ सवाल करेंगे यहाँ पर। मनीष जी, पहले भी हमारी चर्चा हुई है ऑलरेडी, हमने अयोध्या में आपसे चर्चा करी थी, लेकिन इस बीच तब सवाल था राजनीति में मनीष जी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अब मनीष जी जो है राजनीति में आ चुके हैं। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे यही है, एक यूट्यूबर जिस पर फेक वीडियो बनाने के आरोप लगते हैं, देशद्रोही के मुकदमे, सवाल सुन लीजिए पहले, पहला सवाल सुनिए। एक मिनट, लेट मी क्लियर। एक यूट्यूबर जिस पे फेक वीडियो बनाने के आरोप लगते हैं, पूरे देश के न्यूज चैनल इस चीज को दिखाते हैं, अखबार दिखाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखाता है, लेकिन वो वीडियो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। जो आरोप लगा मेरे ऊपर कि मनीष कश्यप तुमने फेक वीडियो बनाया, वो वीडियो आज तक किसी ने नहीं दिखाया, और इस वजह से कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया, ये किसी ने नहीं बताया, ये मुझे चीख चीख के बताना पड़ता है। ये आपने अपने चैनल पे कभी बताया क्या कि मनीष कश्यप उस केस में रिहाई मनीष कश्यप की हो गई है? आपने कभी कोई ये स्टोरी एक मिनट का किया क्या, एक मिनट का भी किया क्या
कि मनीष कश्यप के ऊपर जो आरोप लगा था कोर्ट ने उस मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दिया है। आपने एक मिनट का भी ये स्टोरी चलाया क्या कि जो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा उस एनएसए में जो है कोर्ट का जजमेंट क्या आया, उस जजमेंट का कॉपी आप लोगों ने कभी पढ़ा क्या? मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने मनीष कश्यप के बारे में क्या बोला? पटना हाई कोर्ट में मनीष कश्यप को जब बेल मिला तो बेल में जज साहब ने जजमेंट में क्या लिखा? पटना सिविल कोर्ट ने जिस केस में मुझे रिहाई दिया तमिलनाडु प्रकरण वाले केस में, उस रिहाई प्रकरण में पटना सिविल कोर्ट ने मेरे बारे में क्या लिखा? एक मिनट का भी खबर आप लोगों ने चलाया क्या? चलाइए भैया, सही अगर मनीष कश्यप है तो दिखाइए, और अगर फेक वीडियो मनीष कश्यप बनाया है तो वो फेक वीडियो भी दिखाइए, और अगर फेक वीडियो नहीं दिखा सकते हैं तो ये आरोप मत लगाइए, ये गुनाह कर रहे हैं आप लोग। और कहीं नहीं तो कहीं जो है दुनिया ने कहा कि मेरा उसका कान जो है कौवा लेके चला गया। अब कौवा को आप लोगों ने देखना शुरू किया कि किधर को, अरे कान तो देख लो उसका, दोनों सही सलामत है। मुझे तो देख लो भाई कि मैंने फेक वीडियो नहीं बनाया है, अगर बनाया है तो वो फेक वीडियो दिखा दो। इधर कंप्यूटर पे सर्च मारिए तो मनीष कश्यप ने कौन सा फेक वीडियो बनाया दिखाइए तो, किसी भी कंप्यूटर पे कोई भी दिखा दे। अरे ये तेजस्वी जो नौवीं फेल जंगल राज के राजकुमार, इनने प्रशासन से कहा कि मनीष कश्यप को फेक वीडियो के आरोप में जेल में डाल दो, और ये तेजस्वी यादव जी के आरजेडी के फेसबुक पेज पे गलत इंफॉर्मेशन डाला गया है। उनके आरजेडी के फेसबुक पेज पे गलत इंफॉर्मेशन डाला गया, फेक न्यूज फैलाया गया है। अगर नहीं फैलाया गया, सुनिए, अगर आरजेडी के फेसबुक पेज पे गलत इंफॉर्मेशन नहीं फैलाया गया होगा ना, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये खुद फेक चीजें फैलाते हैं, और इन लोगों को तो मनीष कश्यप खूब पसंद था। जब मनीष कश्यप ने पुलिस वाले को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था तो मेरा वीडियो जो है इन लोगों ने फेसबुक पे डाला था और लिखा था कि पत्रकार हो तो मनीष जैसा। बिल्कुल, उस समय मनीष जो है रसमलाई था, बहुत मीठा लगता था, और उसके बाद से मनीष जो है करेला हो गया, और वो भी हरा करेला, एकदम कड़वा लगने लगा जब इनसे सवाल कर दिया। भाई सवाल आपका ये होना ही नहीं चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि मनीष कश्यप जी आपके ऊपर जो फेक वीडियो का आरोप लगा उसमें आपको रिहाई मिल गया, अब क्या कहना चाहते हैं? आपने हमारा पूरा सवाल ही नहीं सुना था, आपने अपना जवाब देना शुरू कर दिया था। क्योंकि देखिए आपने रसमलाई, ठीक है, खबर चलाइए, कोर्ट का जजमेंट आप लोग दिखाइए, कोर्ट का जजमेंट जो है इंटरनेट पे है, और नहीं है तो आप लोग मैं अपना जजमेंट, जज साहब ने क्या लिखा है मेरे बारे में उसको बताइए। दुनिया को जो है गर्व महसूस होगा मनीष कश्यप पे कि मनीष कश्यप लड़के जेल गया और कोर्ट ने मनीष कश्यप के बारे में क्या लिखा, यही चीज तो हम जानना चाहते हैं। एक तरफ आप रसमलाई और जजमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मनीष जी सवाल सुनिए, आपको भेज दूंगा। बिल्कुल मनीष जी सवाल तो सुन लीजिए, जिस तरीके से आपने कहा कि रसमलाई और करेले से किस तरीके से आपको पार्टियों ने तुलना करी, ठीक है, आप यही बात कह रहे हैं, आरजेडी ने तुलना करी, ठीक है, एक साफ तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं आरजेडी ने तुलना करी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस वक्त आप यूट्यूबर मनीष जाने जाते हैं, आप एक ईमानदारी से पत्रकारिता उस समय कर रहे थे, लेकिन उस समय आपने जो पार्टी दर पार्टी है उन नेताओं की खामियां बताई, किस तरीके से गलियां बन रही हैं, किस तरीके से पुल बन रहे हैं, इन तमाम बातों का आपने बिहार से लेकर के हर जगह यूपी तक की सारी बातों को खुलासा किया। लेकिन सर ऐसा क्या होता है कि जिस राजनीति की बात वह उसमें हो रहे भ्रष्टाचार की बात करते हैं और वही मनीष कश्यप राजनीति की उस गंदगी में शामिल होने चले जाते हैं? यानी राजनीति को आप गंदगी मानती हैं? आप बताइए आप राजनीति को गंदगी मानती है? आपके हिसाब से ही लगातार बताया गया ना कि भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टियों रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चुपचाप पत्रकारिता कर रहे थे, क्या हुआ जब जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रधर्म और पंचजन पे जो है पाबंदी लगा दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी सिस्टम में घुस गए। अगर तेजस्वी यादव जी और उनकी सरकार मनीष कश्यप को परेशान नहीं किया होता तो आज भी मनीष कश्यप माइक लेके और कहीं सड़क पे जो है रिपोर्टिंग कर रहा होता। उन लोगों ने परेशान किया और मैं बोला कि जिस सिस्टम में तुम हो उसी सिस्टम में मनीष कश्यप खड़ा होके और तुमको अच्छे ढंग से जवाब देगा, और इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा, और मैं राजनीति में हूं, और मैं तेजस्वी यादव जी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं तो मुझे राजनीति में होना चाहिए। बिल्कुल, आपने पढ़ाई की बात करी तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जब आपने जेल से निकलने के बाद सीधे चेतावनी दी थी कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आया तेजस्वी के एक दिन में 10 दिन में सरकार गिरा दूंगा, तो बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि मनीष जी जो है ना इसीलिए आए हैं ताकि तेजस्वी जी से बदला ले सके, उनकी पार्टी से बदला ले सके, इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देखिए हम लोग बदला लेने की बात नहीं करते, हम लोग बदलाव करने की बात करते हैं। अगर बदला लेने की बात होती ना तो तेजस्वी जी पे अभी तक FIR कर दिया होता मैं।
अभी तक कर दिया होता 9 महीना फ्री में मैं सजा काट के आया हूँ। मैं नहीं करूंगा, मैं सच्चाई को दिखाऊंगा और बदलाव की बात करूंगा और बिहार के लिए लड़ूंगा, मेरा ये लक्ष्य है। ये काम वो लोग करते हैं, ये काम निर्दोषों को फंसाने का काम जो है राजद परिवार, लालू परिवार और नौवीं फेल तेजस्वी यादव जी के लोग करते हैं और वो लोग करते हैं, तेजस्वी जी करते हैं। मैं ये काम नहीं करता हूं। और मैंने ये कहा था साफ साफ कि अगर मैं जेल गया, मैंने तेजस्वी जी को चेतावनी दे दी थी कि अगर मैं जेल गया तो जेल से निकलने के बाद 180 दिन के अंदर तेजस्वी जी आपकी सरकार को गिरा दूंगा। भगवान ने उनकी सरकार को गिरा दिया, सबक सिखा दिया। मनीष कश्यप का हाथ पांव उसमें कुछ नहीं था, भगवान ने सबक सिखाया उनको, पहला चीज। दूसरा चीज, मैं जेल से जब कोर्ट में पेशी हो रहा था मेरा, तो उस दौरान मैंने एक वीडियो बनाया था, उन लोगों को उस समय भी ललका रहा था। जब मैं तमिलनाडु में जा रहा था और मुझे कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में तुम्हारे ऊपर अनेकों केस हुआ है, तो भी मैं एयरपोर्ट पे हिम्मत किया और पीछे घूम के, मुझे चारों तरफ से पुलिस ने घेरा है एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे, और मैं पीछे घूम के बोला कि लौट के आऊँगा और फिर वही काम करूँगा जो मैं करता था। और लौट के आ गया हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ जो पहले करता था। उसके बाद मैंने मेरे बारे में एक अफवाह फैलाया गया पूरे देश में कि सरकार बदली तबे मनीषवा निकली। भोजपुरी में यह है कि सरकार बदली तबे मनीषवा निकली, हिंदी का मतलब यह हुआ कि सरकार बदलेगा बिहार में तभी मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेगा। और मैं जब वो कोर्ट के पेशी के दौरान मैं जब था, तो मैंने कहा था कि मैं निकलूंगा और सरकार बदलेगा, और मनीष कश्यप निकला और सरकार बदल दिया। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे आपने जिस तरह से बात किया था इसके ऊपर कि जिस तरह से आपने कहा कि आप जो आयो बदलाव के लिए आयो, और किस तरह से आप बदलाव करोगे, क्या आप प्लान्स लेके आयो, क्या प्लान है? क्योंकि बिहार के लोग, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हूं और ना ही सांसद विधायक हूं, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं जैसे यूट्यूब के माध्यम से वीडियो को बनाता था, चीजों को दिखाता था, अब मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते चीजों को देखूंगा और उस चीजों को जो है ऊपर तक पहुंचाऊंगा और वहां पे काम करवाऊंगा। अगर नहीं होगा तो मैं उसी तरीके से दमदार तरीके से फिर वहां पे जाके वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ईमानदारी की बात तो सब करते हैं ना, आपकी ईमानदारी कैसे पता चलेगा? अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री ईमानदार थे कि नहीं थे, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ईमानदार थे कि बिल्कुल नहीं थे, प्रूफ करने की जरूरत। पीवी नरसिंह राव ईमानदार थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। भारत में ऐसे अनेकों नेता है जो ईमानदार है, आप मौका देंगे तब तो, अभी हमें मौका भी नहीं दिया, दो दिन भी नहीं हुआ है। और लिटमस टेस्ट की तरह, जैसे साइंस के बच्चे लिटमस टेस्ट करते हैं कि इसको डाल दिया जाए तो इसमें क्या है, एसिड है, बेस है या क्या है, मेरा टेस्ट दूए दिन में करने लगे। अरे तो कम से कम 5 साल में सरकार बदलती है, लोग एक बार वोट देते हैं तो 5 साल सरकार को मौका देते हैं, हमको तो कम से कम 5 महीना मौका दे दीजिए, और 5 महीने के बाद आप टेस्ट कीजिए कि मनीषवा बदला है कि नहीं बदला है। 5 महीने के बाद मुझे चैनल पर बुलाइए और मैं बदला हूं तो मुझे जो है धर के रेल दीजिए, और नहीं बदला हूं तो मेरे जैसे लोगों का साथ दीजिए। बिल्कुल, एक सवाल बस, मनीष कश्यप क्या मुख्यमंत्री बन रहे बिहार के? बिहार सुनिए ना, ऐसा ऐसा सवाल करके मेरे को सोशल मीडिया पे टॉप कर रहा है, टॉप कर रहा है, रोड़ा अटका देंगे आप लोग, समझे ना, सवाल टॉप कर रहा है। नहीं 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 नहीं, अरे देखिए, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे रहने दीजिए, और मुझे जो है पार्टी जो दायित्व देगा उस दायित्व का निर्वाह करूंगा। और ये सारे सवाल अगर आप लोग, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आगे भी अगर कोई चैनल में अगर आप लोग बुला रहे हैं तो ये सवाल मुझसे मत पूछिए, वरना लोग कहेंगे कि देखिए ना, मनीष अभी पार्टी ज्वाइन किया है और अभी ये से ऊँचा ऊँचा सपना देखने लगा, तो ये निगेटिव मेरे लिए चला जाएगा। तो ये सवाल कम से कम मेरे से मत पूछिए लोग। मतलब आप इस तरह को बिल्कुल खारिज करते हो जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हो रहे हैं ये सब? देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे समर्थक हैं, उनको नाराज भी नहीं करना चाहता हूँ, और इस पे मैं बोल के जो है और भी कुछ लोगों को नाराज नहीं करना चाहता हूँ, तो इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मनीष जी, राजनीति में कुछ नहीं बोलने का मतलब ही होता है हामी भर देना। नहीं देखिए, राजनीति में राजनीति को इतना निगेटिव सेंस में लेने की जरूरत नहीं है, राजनीति को पॉजिटिव सेंस में लेने की जरूरत है। और भारत के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप सपना देखते हैं कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, पायलट बनेंगे, इंस्टाग्राम पे जो है रील बनाएंगे, मॉडलर बनेंगे, हीरो बनेंगे, आप एक और सपना देख सकते हैं कि भारत का एक ईमानदार नेता बनूंगा, ये भी सपना आप देख सकते हैं, और तब जाके जो है राजनीति का परिभाषा बदलेगा। आपने ईमानदार नेता की बात बोली, दिल्ली में आके आपने बीजेपी, एक तरीके से बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, यहीं से एक ईमानदार पार्टी और नेता निकले थे जो इस वक्त जेल में है, अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे? क्योंकि ईमानदारी की बातें तो सब करते हैं, लेकिन जैसे ही आते हैं, जैसे उन्होंने बोला था कि कीचड़ में आ जाते हैं, तो उसके बाद ईमानदारी साइड में चली जाती है। देखिए, कीचड़ में कमल खिलता है और कमल खिलेगा,
ये चीज़ें हैं। और केजरीवाल से मेरा तुलना नहीं हो सकता है, केजरीवाल जी अलग ग्रह के आदमी थे। ग्रह के कैसे हो गया? देखिए, अब उनका तरीका अलग था, उनका कंसेप्ट अलग था। और केजरीवाल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ इसलिए भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि अभी वो जेल में है, और जेल में अगर कोई जाता है तो वो दर्द मैं समझ सकता हूँ, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो मेरा इंसानियत बुरा मान जाएगा। सोशल मीडिया पे जेल को लेकर आपने बोला, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि जो मनीष कश्यप हैं किसी भी चीज़ को पूरा नहीं करते, यूट्यूबर बने, पत्रकार बने, सब चीज़ को कमाल, सब किराएदार को कमाल तरीके से निभाया हूँ। जब मैं इंजीनियर था तो कमाल का इंजीनियर था, लास्ट जॉब जो है मैंने 85,000 रुपये का छोड़ के आया। हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मैनेजर था मैं, हाई राइज बिल्डिंग का। कमाल का नॉलेज है सिविल डिपार्टमेंट में मुझे, कमाल का। मैं अपने पूरे कॉलेज में पहला प्लेसमेंट मनीष कश्यप का हुआ था, फर्स्ट प्लेसमेंट, फर्स्ट डिवीजन से मैं पास आउट हूँ सिविल में, जाके पुणे यूनिवर्सिटी में, त्रिपुरारी कुमार तिवारी सर्च मारिएगा, मेरा मार्कशीट आपको दिखाई दे देगा। सुनिए, लेट मी क्लियर। सिविल पढ़ाई किया कमाल तरीके से, अच्छे ढंग से पढ़ाई किया, सिविल इंजीनियर बना कमाल का इंजीनियर, अभी भी हूँ, मेरा सर्टिफिकेट सरकार ने रद्द नहीं किया, अभी भी जो है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में अच्छे ढंग से बताता हूँ। जब मैं यूट्यूबर बना तो किस प्रकार का यूट्यूबर बना पूरा दुनिया जानता है, और नेता जो है मैं अच्छा बनूंगा, ये भरोसा कीजिए। अच्छा देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप नेता बन रहे हैं, आप जनता के लिए काम करेंगे, और आपने अपना पैकेज बताया काफ़ी बेहतर था, यहाँ पे पत्रकारों के कम होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या बात है कि क्योंकि क्या होता है कि कितने लोग होते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हीं पैसे से जनता के लिए आप काम कर सकते थे, बिहार के लोगों के लिए, क्यों नेता ही बन रहे हैं? क्योंकि विजन बड़ा है, मनीष कश्यप के सपने बड़े हैं, मुख्यमंत्री बनना है। सुनिए, जम्मू कश्मीर में जो एक मंदिर है आदि शंकराचार्य जी का, वहाँ पे मेरा मशीन लगा हुआ है पानी पीने का, और मैं 3 लाख रुपया जो है यूट्यूब से कमा के पर मंथ डोनेट करता था, पर मंथ डोनेट करता था। और जाके ये बात पूछिए लोगों से कि मनीष कश्यप डोनेट करता था कि नहीं करता था। मायावती जी के गांव में मैंने बच्चों के लिए शौचालय बनवाया, जहां पे बच्चे जो है बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करते हैं, मायावती जी के गांव में जाके। मैंने बिहार में अनेकों स्कूलों में शौचालय बनवाया है, मैंने बिहार में 150 से अधिक कंप्यूटर लगवाया है सरकारी स्कूलों में। बिमल मंडल जी हाथ काट लिए थे, उनको 1,10,000 रुपया का आर्थिक सहयोग किया। मैं जूडो कराटा का ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, उनके लिए ड्रेस, किताब, कॉपी, सेफ्टी गार्ड्स, उसका व्यवस्था कराया मैंने बिहार में। मैं बिहार में जो बच्चे जो है मजदूरी करने लगते थे, बचपन में जाके मछली मारने लगते थे, पढ़ाई से दूर हो जाते थे, उनको मैं मोटिवेट करता था, उनके लिए व्यवस्थाएं करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं अपना काम दायित्व जो है ईमानदारी पूर्वक निर्वाह किया हूँ, तब जाके यहाँ पे खड़ा हूँ, और तब जाके जो है मुझे लोग जो है सन ऑफ बिहार बोलते हैं, और तब जाके लोग जो है मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। अगर वो काम ईमानदारी पूर्वक नहीं करता तो आप बताइए कि भारत में एक साधारण परिवार के युवक को इतना प्यार जो है कब मिला था, एक यूट्यूबर को इतना प्यार कब मिला था, आप बताइए। आखिरी सवाल मेरा आपसे बस ये है, क्योंकि समय कम है, आपने ही बोला आपके पास समय कम है, आखिरी सवाल ये है, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, फेक न्यूज़ को लेकर आपके ऊपर केस भी हुए, और सवाल ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बिहार की मैथिली भाषा है उसे 8वीं सूची में डाला, लेकिन बिहार के लोगों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, हर जगह के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। कोविड के समय में जो बिहार के लोग थे उन्हें दिल्ली में क्या देखना पड़ा? अनाउंसमेंट हुई जिसकी वीडियोज़ भी वायरल हुए कि आप दिल्ली छोड़ के जाइए, तो क्या होने वाला बिहार में एजुकेशन होगा? देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में कमी है, ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी है, ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इसमें सुधार होगा, ये भी मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे उस प्रकार का मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों पे बातचीत करूँगा। और मैं वादा करता हूँ कि अगला 5 साल पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार का होगा, और पॉजिटिव वे में चर्चा होगा। 2024 से लेकर 2029 का जो दौर होगा वो बिहार का और बिहारियों का होगा, मैं ये वादा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल और रहेगा, फिर इस डिबेट को हम ख़त्म करेंगे। मनीष जी, आपसे मैं सीधे ये सवाल करूंगी, चूंकि आप बिहार की राजनीति की लगातार बात करते आए हैं, बिहार को सुधारने की बात करते आए हैं, अब तो 2047 के विज़न के साथ भी आप जुड़ चुके हैं, तो लगातार बिहार से एक आवाज उठती है भोजपुरी भाषा को लेकर के, उसकी मांग होती है, तो क्या मनीष कश्यप उस भोजपुरी को आवाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि लगातार ये बात होती है। भोजपुरी भाषी हैं, हमर घर पश्चिमी चंपारण है, चंपारण के हम रहे वाला हैं, और भोजपुरी बहुत मीठा भाषा है, बहुत अच्छा भाषा है, और बहुत अच्छा ढंग से हम भोजपुरी बोले नहीं। हम चाहता नहीं कि जौना प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी बिहार के एगो भाषा मैथिली के 8वीं अनुसूची में डाल देनी,
वैसे ही इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भोजपुरी के मैथिली के उडलनी अटल बिहारी वाजपेयी भोजपुरी के नरेंद्र मोदी जी 2024 से 29 के बीच में 8वीं अनुसूची में डाल दें और ये हमनी के भोजपुरी भाषा वाला लोग लाग गर्व के विषय रही। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहता नहीं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हर व्यक्ति को हिंदी आना चाहिए, हिंदी समझना चाहिए और हिंदी में हर किसी को बात करना चाहिए। चाहे आपका मदर टंग कुछ भी हो लेकिन नेशनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है और हिंदी का सम्मान जो है तमिलनाडु में भी होना चाहिए, कर्नाटका में भी होना चाहिए, केरल में भी होना चाहिए, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। हर रीजनल भाषा का सम्मान है लेकिन साथ ही साथ जो है हमारा हिंदी भाषा जो है वो सबसे ज्यादा महान है। कहीं यहाँ पे एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं जिस तरीके से भारत में कहीं ना कहीं सभ्यता को लोग अपनाते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, दक्षिणी सभ्यता अच्छी सभ्यता है, हमारा तो मतलब हर राज्य का सभ्यता अच्छा, हर भाषा अच्छा है, लेकिन एक देश का एक भाषा ऐसा होना चाहिए जो उस भाषा को उस देश के कम से कम 90% लोग बोल सके, समझ सके और लिख सके, और ये हिंदी भाषा होना चाहिए। ठीक है, तो साफ तौर पर आप मनीष कश्यप को सुन सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने बताया, एक तरह से कहा जाए बिहार का लाल अब देश का लाल हो चुका है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ समीकरण बनता है ये देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर, कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।